a sum of money at simple interest amounts to ₹1012 in 2.5 years and ₹1067.2 in 4 years. Main seedha bol dun, 1.5 years ka interest kitna ho gaya? Ye kitna ho gaya 1067.20 minus 1012. Ye kitna aa jayega 55.2. ये क्या है 1.5 इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 55.2 डिवाइड बाय 1.5 ये आ गया 36.8. ये मैंने आराम से कैसे तोड़ा, मैंने इसको देखो कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा 54 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5. 54 को डेढ़ से डिवाइड करा तो 36 आ गया, 1.2 को डेढ़ से डिवाइड करा तो 0.8 आ गया. एक साल का इंटरेस्ट 36.8. अब क्या है देखो, प्रिंसिपल के ऊपर ढाई साल का इंटरेस्ट लगाया तो कितना आया 1012. ये एक साल का इंटरेस्ट है 36.8. ढाई साल का इंटरेस्ट कितना देगा, 36.8 को ढाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ गया 92. ढाई से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये बेसिकली मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने करा 36.8 इसको ना 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. पहले 2 से डिवाइड करा, ये आ गया 18.4 इंटू 5. 18 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 90 आता है, 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.4 को तो 2 आता है, तो ये 92 आ गया. तो ये आ गया 92. तो प्रिंसिपल के ऊपर अगर 2.5 ईयर्स का इंटरेस्ट लगाया तो 102 आया, यानी प्रिंसिपल मैंने कितना ऐड करा, 92 ऐड करा तो 1012 आया. तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 920. तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100. एक साल का इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट कितना आया था हमारा एक साल का 36.8 अपॉन 920 इंटू 100. देखो आराम से हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया 368. एक जीरो से एक डेसिमल उड़ गया, माने ये क्लियरली कितना आ गया 4% पर एनम. तो आंसर हो गया 4% पर एनम, यानी ऑप्शन नंबर 3.